नागौर जिले में शनिवार को 12 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने से हड़कंप मच गया। नए 11 केस बासनी के और एक लाडनू का है। बासनी के इन नए मामलों में ये लोग पहले से संक्रमित दो मरीजों के संपर्क में आए थे और उनके परिजन निकले हैं। इनको नागौर क्वारंटाइन सेंटर से जयपुर भेजा गया है। अब तक बासनी में कुल 18 कोरोना पॉजिटिव होने से बासनी भी हॉटस्पॉट बन चुका है। शनिवार को जिले में 12 पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से एक लाडनू में पॉजिटिव आया, तो जो सबसे पहले पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आने से कोरोना मरीज बना है। लाडनू में भी कुल कोरोना पॉजिटिव 6 हो चुके हैं। जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 26 हो गई है, जिनमें से बांसनी में 18, लाडनू में 6, जबकि परबतसर में 2 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। लाडनू और बांसनी में हॉटस्पॉट बनने से यहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा परबतसर में भी कर्फ्यू जारी है। नागौर के बासनी कस्बे में 11 पॉजिटिव और आए हैं और आज दिन भर में कुल 12 पॉजिटिव जिले भर से आ चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा, इन सब को आज सरकार के नियमानुसार जयपुर भेजा जाएगा, जहाँ SMS में इनका इलाज चलेगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा, जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 26 पहुँच चुकी है। बासनी में 18 है, लाडनू में 6 है, तो परबतसर में 2 है। एक विशिष्ट जानकारी जो हमें मिली है वो ये है, ये 11 पॉजिटिव पूर्व में 2 दुकानदार थे, उन्हीं के संपर्क और उन्हीं के परिजनों में से है, जिसके चलते अब आवश्यकता इस बात की है प्रशासन और चिकित्सा महकमा इस चेन को पकड़े, ताकि जो संक्रमित है उनको जल्द से जल्द पहचान हो सके और उनका इलाज हो सके। बढ़ते कोरोना संकट के कारण नागौर के बासनी और लाडनू हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, जिसके चलते न केवल प्रशासन वरन जनता में भी चिंता की लहर है। आवश्यकता इसी बात की है कि कोरोना पॉजिटिव की पहचान ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षण हो और पॉजिटिव आने पर उनकी पहचान कर उनको निदान के लिए भेजा जाए। लगता है नागौर में ये चेन जो है नहीं चलनी थी वह शुरू हो चुकी है, जिसके चलते प्रशासन के सूत्र अभी इनकी संख्या और बढ़ने से इनकार नहीं कर रहे हैं। मैं संदीप बोहरा, A1 TV।